नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। दोस्तों, शुगर और बीपी से आजकल काफी लोग परेशान हैं। इसके चलते दिल की बीमारी और स्ट्रोक का भी खतरा रहता है। शुगर और बीपी होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर आपको दवाएं जरूर शुरू करनी चाहिए। वही कुछ घरेलू चीजें भी इन दोनों को मैनेज करने में कारगर हैं। कई आयुर्वेदिक हर्ब्स, मसाले और फलों को डाइट में शामिल कर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। यहाँ इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही फल के बारे में बता रहे हैं, इसे कस्टर्ड एप्पल, शुगर एप्पल, शरीफा या फिर सीताफल भी कहा जाता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही मार्केट में ये फल दिखने लगता है। शुगर और बीपी को मैनेज करने के अलावा भी इसके कई फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो तमाम फायदे। दोस्तों, शरीफा स्वाद में अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ ही ये गुणों से भरपूर है। ये डायबिटीज के लिए बेहद कारगर है। हालांकि कई लोगों को लगता है कि ये मीठा होने की वजह से डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इसकी छाल शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद करती है। कस्टर्ड एप्पल में एनोनोकिन होता है। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, उनके लिए ये बेहद फायदेमंद है। साथ ही दोस्तों, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है। हालांकि शुगर पेशेंट्स को हफ्ते में 1 से 2 बार ही इसे खाना चाहिए। इसकी छाल के पाउडर को आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर शुगर के पेशेंट इसे किस तरीके से खाएं? तो चलिए इस सवाल का जवाब आपको बता देते हैं। शुगर पेशेंट्स के लिए शरीफे की छाल सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। इसकी छाल के पाउडर को लगभग 10 ग्राम लें। इसे 1 गिलास पानी में आधा रह जाने तक उबाल लें। अब इसे छान लें। इसे रोज खाली पेट पिएं। ये बेहद फायदेमंद साबित होगा। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आपको शरीफा खाने के अन्य फायदे भी शेयर करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी पाया जाता है। ये स्किन और बालों के लिए बेहद अच्छा होता है। अस्थमा और हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ये एक रामबाण फल है। साथ ही साथ दोस्तों, ये बीपी को भी कंट्रोल करता है। इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। साथ ही अनीमिया को दूर करने के लिए भी ये एक बेहतर ऑप्शन है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और तमाम हेल्थ रिलेटेड रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल मेडिकली स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।